गाइस आज हम मोमोज बना रहे हैं। तो ये मेरी सब्जियां हैं, इसमें शिमला मिर्च है, प्याज है, थोड़ा सा लहसुन है और हमारा ये चिली है। ये मेरे सारे मसाले हैं। ये मेरा सोयाबीन का चूरा है, ये जो मैंने भिगो के रखा हुआ है अभी। ओके, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, अब इस ऑयल को होने देंगे हम। गाइस हमारा तेल हो चुका है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन डालूंगी। सबसे पहले हल्के से हम चलाएंगे, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें भी हमने इसी में साथ में डाली है। और इसे चला देंगे। हम चला लेते हैं। इसको पकने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें मसाले और आगे की सब्जियां डालेंगे। इसका चूरा मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ। तेज आंच है हमारी। अब हम शिमला मिर्च डालेंगे। नमक मिर्च डालेंगे कोई बात नहीं, चटनी डाल दो, मिर्च डाल दो, बस लाओ मिर्ची अब हम इसमें ये चूरा डाल रहे हैं। ये हमारा सोयाबीन का भीगा हुआ चूरा है, बहुत अच्छा लगता है, हेल्दी भी होता है, तो इसीलिए मैं हमेशा डालती हूँ जब भी मोमोज बनाती हूँ घर पे। बाजार के मोमोज खा के मेरा मन नहीं भरता है गाइस, तो इसीलिए मैं थोड़ा घर पे बनाना पसंद करती हूँ। इसे चलाएंगे हम हल्के हल्के। थोड़ी सी काली मिर्च डाल रहे हैं हमें। अब हम इसके बाद लाल मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। थोड़ा गरम मसाला भी डालेंगे स्वाद अनुसार। ये गरम मसाला बिल्कुल घर का बना हुआ रेडी है हमारा, ये देख सकते हैं हम इस मसालेदार में है सब कुछ, नमक। अब हम थोड़ा सा इसमें विनेगर भी डालेंगे, फिर हम इसे साथ में चला देंगे, थोड़ा सा डालेंगे बस। अब इसे चलाएंगे हम। थोड़े से हम अब चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं ऊपर रेड वाले। ये हमारी स्टफिंग बन के हो गई है तैयार। गाइस इसमें आपको जितना वेजिटेबल्स डालने हैं आपको आप डालिएगा अपने मन से। आप गाजर डालिए, मेरे पास आज बंद गोभी नहीं थी तो मैं बंद गोभी आज नहीं डाली हूँ। और भी जितनी वेजी आपको जो जो चीज़ें डालनी है इसमें आप डाल सकते हो, पनीर भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है टोटली।
अब हम तैयार करते हैं हमारे मोमोज। ये हमने मैदा तैयार करके रखी है, इसको मैंने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था 5-10 मिनट के लिए, और अब हम इसके डो तैयार कर रहे हैं। इसमें हम इसकी चटनी भी दिखा देते हैं आपको, ये चटनी कैसे बन रही है। तो इसमें हमने सूखी लाल मिर्च, हरी लाल मिर्च, टमाटर, लहसुन और नमक डाला है, और इससे हम ये चटनी तैयार करेंगे। ये देखिए, ये मिर्चें तोड़ रही हैं सूखी। साबुत मिर्ची अच्छी लगती है, ये हमारी साबुत मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, और ये स्पाइसी बनती है, तभी मज़ा आता है मोमोज को खाने में। ये हमारे पास पूरा स्टॉक है मिर्चों का, बहुत मिर्चें हैं। बरसात के मौसम में गाइस मोमोज तो घर में बहुत मज़ा आ रहा है। साथ में हम लोग बिग बॉस भी देख रहे हैं गाइस। गाइस ये देखिए, ये बेल रही है, मैं इसको अभी तैयार करके दिखाती हूँ आपको कैसा लगेगा। मोमो का बर्तन मैं तो आपके लिए लकी हूँ ही, आपके बिग बॉस का कैप्टन बना और शालिनी ने आपके कैप्टनसी को चैलेंज किया था। जी सर, जीत गए। जी सर, कांग्रेस। सर अभी बनी कहाँ हो? मैं किसको कॉपी करूँ दोबारा।